आज सुबह सोच रहे थे कि उठ के जाएंगे मॉल जाना है घूमने के लिए। ठंड भी इतनी सी और हम इसलिए घबरा रहे थे कि ठंड बहुत है तो कैसे जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये तो हालत ही बहुत ख़राब है। ये तो बिल्कुल ही स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, बहुत बुरा वाला, बहुत गंदे वाला। कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत तेज़ आ रहा है, बिल्कुल काला अंधेरा। और इतनी तेज़ बर्फ़ हो रही है कि जैसे ये अगर बर्फ़ ऐसे ऐसे पड़ रही है, अगर 1 घंटा हो गया ना, ये 4-4 5-5 फुट बर्फ़ हो जाएगी। कनाडा में सर्विस तो बहुत फास्ट है, स्नो होने के बाद ही तुरंत देखो स्नो कटर भी गाड़ी आ गई है। ये सड़क पूरी इसी स्नो कटर ने साफ़ करी है, एक दो चक्कर लगाएगी, देखेगी कहाँ कहाँ स्नो है, वो सब साइडों से हटा देगी। हाँ जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल वी टू एक्सप्लोर। कैसे हो आप सब? जय गुरु जी, जय माता जी। आज सुबह उठा तो देखा इतनी बर्फ़ पूछो नहीं। मैंने कहा अब गाड़ी भी साफ़ करनी है, स्नो भी साफ़ करनी है, तो आपको छोटी सी वीडियो दिखाते हैं सुबह सुबह की कनाडा की सबसे बड़ी परेशानी, स्नो। पहले मैं सुबह 6 बजे उठा तो बहुत तेज़ स्नो हो रही थी, मैंने आपको दिखाया, अपने वीडियो देखी। उसके बाद मैं 7:30 बजे बाहर आया हूँ तो स्नो रुक चुकी है और स्नो कटर की गाड़ी चक्कर लगा के सड़क साफ़ करके जा चुकी है। अभी फिर आएगी, आपको दिखाता हूँ। और अब जो जद्दोजहद है वो है कि बच्चों ने सबने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले जो भी स्नो हुई है वो सब गाड़ी से हटानी पड़ेगी। बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह स्नो में, तो आइए देखते हैं और स्नो भी हटाते हैं। शुरू हो गया फिर ये खेल, अब खेल फिर शुरू हो गया। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब बच्चे तो उठते नहीं है, उठेंगे नहीं, मुझे उठा देंगे पापा, जाओ गाड़ी साफ करो, चार पाँच साल के घर बच्चे जा सकते थे। आप तो चोरी होने का बहुत डर है। हाँ, अभी अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंश्योरेंस वाले भी तो नहीं थे। आप लॉक लगा दो, मैंने भी ऑनलाइन 3 लॉक मंगवाए, स्पेशल बोर्डो लगा के जाता हूँ, जिसको ले जाना है वो जितना पॉसिबल होता है कर सकते हैं। मैंने बेटे को बोला था ना लाल गाड़ी ले ले, कहता पापा नहीं आता है, उसकी इंश्योरेंस महंगी है, तो कल सब नहीं करता, और आज सब लाल गाड़ी लेते आज सब, क्योंकि इंडिया में मेरे पास 3 गाड़ी थी अपनी और तीनों लाल, और मैं लाल का बहुत फेवरेट हूँ, मेरा मोबाइल क्या, मेरे कपड़े क्या, सब कुछ लाल। तो मेरे को वहाँ पसंद करते थे कि भाई इनके पास तो लाल जो गाड़ी आती है, स्कूटी बाइक सब लाल ही आती है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है।
मैं छोटी छोटी चीज क्या कह रहा है, कुछ लेने की कोशिश करता हूँ तो कोशिश यही होती है कि लाल ही लूँ। मैं लास्ट देखो, मैं लास्ट किया था लेने पिछले कैनेडा आया था, मैंने कहा ये भी लाल ले, देखो मैं ये भी लाल लेके आया, मैंने ये भी लाल चाहिए। सब तो बहुत ईजी था, गाड़ी भी ईजी, सब कुछ ईजी, कोई चोरी नहीं होता कुछ। बहुत केयरफुल चलना पड़ेगा, पहले वाली बातें नहीं रही थी नहीं। इधर से अभी पीछे टोयोटा चोरी हुई है, ये रेड लाइट पार करते मेरे राहुल बेटा है, उसके दोस्त है जाती होगी कौन भाई जैसे, उनके साथ में वो काले रहते हैं, इनकी चोरी हुई और होंडा सिटी नहीं ले गए। दो गाड़ी है, गाड़ी साफ़ कर दी है, ये वाली करनी है अभी, पूरी नहीं हुई, ये गाड़ी निकलनी थी, मुझे वॉक करने के लिए भी जाना था बट स्नो इतनी है कि कैसे जाएंगे। दूसरी वाली कार भी बैक करनी है।
बाय जय गुरु जी, ध्यान से। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना।